श्री अन्न की खेती खुशियां है देती। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि दुनिया में श्री अन्न की मांग बढ़ने लगी है, जिसका सीधा लाभ श्री अन्न उत्पादक किसानों को मिल रहा है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है, उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई है। इसलिए अब इस सुपर फूड को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों, हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं, उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम है कि आज देश के किसान श्री अन्न की खेती के लिए न सिर्फ प्रोत्साहित हुए हैं, बल्कि उन्होंने सफलता की नई कहानियां रचनी भी शुरू कर दी हैं। कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले के गोपालपुरा गांव के सिद्धगौड़ा एक ऐसे प्रगतिशील श्री अन्न किसान हैं, जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आज सिद्धगौड़ा गोपालपुरा गांव के तमाम किसानों के लिए एक आदर्श है। सिद्धगौड़ा ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अपनाकर वर्ष 2020-21 में अपनी आय दोगुनी की है। पहले आप श्री अन्न बिखेर कर खेती करते थे तो 14,000 रुपए प्रति एकड़ की कमाई करते थे, लेकिन क्यारी की तरह लाइन लाइन से रागी की फसल को उगाकर आपने 28,000 रुपए प्रति एकड़ का लाभ प्राप्त किया है। लाइन में रागी की बुआई करने के कारण सिद्धगौड़ा ने प्रति हेक्टेयर 9 क्विंटल रागी और अंतर फसल के तौर पर 4 क्विंटल दाल की फसल पैदा की। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा गांव में की गई चर्चा के दौरान आपने रागी की लाइन बुआई और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में जाना। लाइन में बुआई बेहतर अंकुरण सुनिश्चित करती है और इसमें बीज की आवश्यकता भी कम होती है, साथ ही इसमें खरपतवार का बेहतर प्रबंधन संभव है, जिससे उत्पादकता और कमाई में वृद्धि होती है। 6 एकड़ में हम रागी उगाते हैं। पहले बिखेर कर उगाते थे, लेकिन वो सही उपज नहीं दिया। बाद में हमने कृषि अधिकारी से मदद ली, गाय का गोबर डाला, इससे हमें अच्छी फसल मिली, जिसे बेच के हमें बहुत लाभ मिला। पहले 6 क्विंटल रागी मिलता था, अभी 15 से 20 क्विंटल रागी मिलता है, 10 क्विंटल दाल, ये सब भी हमने उगाया।